हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ बैंकिंग और एसएससी में। तो देखो, आज हम लोग करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन जो कि रेलवेज के एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो जो भी कैंडिडेट रेलवेज का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ऐसा क्वेश्चन तो आना चाहिए, क्योंकि देखो ऐसे स्क्वायर रूट डेसिमल वाला जो स्क्वायर रूट होता है ऐसा क्वेश्चन देखो 2018 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्लस एसएससी भी ऐसे क्वेश्चन को पूछता है। तो आपको आना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखो, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैसे निकालना है उसका वीडियो भी डाला है, इम्परफेक्ट वाले का स्क्वायर रूट कैसे निकालना है वो भी डाला है, और आज मैं इसको भी आपको सिखाऊंगा कि ऐसे क्वेश्चन को जल्दी मतलब 15 to 20 सेकंड में आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, ये तरीका आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो पहले डेसिमल वाले क्वेश्चन के स्क्वायर रूट को सॉल्व करने के पहले हम लोग ये सीखेंगे कि इम्परफेक्ट नंबर के स्क्वायर रूट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है। अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो वैसे तो वहां पे आप देख सकते हो, फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता दे रहा हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम लोग यूज में लेके आने वाले हैं। तो जैसे अगर मान लो मैंने ऐसा आपको बोला कि अंडर रूट ऑफ 12 इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम लोग कैसे इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। ये जो है ये इनपरफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इनपरफेक्ट मतलब जैसे 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, उसी तरीके से जैसे 10 जो होता है वो किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता है, डेसिमल का ही होता है। तो उसी तरीके से ये क्या है, इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो सबसे पहले देखो इसको बनाने का तरीका ये होगा कि हम लोग चेक करेंगे कि ये जो 12 है वो कौन कौन से नंबर के स्क्वायर के बीच में लाई करता है, ये पहला काम करोगे। तो आपको पता है कि 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, और कहीं ना कहीं जो 12 होता है वो 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर इसके बीच में लाई करता है। इसका मतलब अगर मैं इस 12 का स्क्वायर रूट निकालूंगा तो वो क्या होगा, 3 से ज्यादा होगा और 4 से कम होगा। तो आप इन दोनों में किसी भी वैल्यू को सेलेक्ट करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर मैंने 3 को सिलेक्ट किया तो मुझे समझ में आ रहा है जो भी हमारा आंसर आने वाला है वो 3 से तो ज़्यादा आने वाला है। तो कितना ज़्यादा आएगा उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा होगा तो प्लस कर लेना, कम करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे 3 से ज़्यादा है तो 3 प्लस। अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, आपको देखना है कितना ज़्यादा है, मतलब 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, तो आप इसमें से 9 माइनस करो, आपको पता चल जाएगा कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा। और डिवाइड मुझे करना होता है 2 into, देखो एज हम लोग स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे, आप क्यूब रूट निकालोगे तो 3 से डिवाइड करना होगा। तो डिवाइडेड बाई 2 into सेलेक्टेड वैल्यू, जैसे यहाँ पे आपने क्या सिलेक्ट किया, 3, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, 3। तो देखो ये 3 से 3 कट गया, आपको क्या मिल गया, 3 plus 1/2। और देखो 1/2 यहाँ पे कुछ डेसिमल्स, फ्रैक्शन को डेसिमल में बना के मैंने लिखा है, ये आपको याद होना चाहिए ताकि आपको कैलकुलेशन जल्दी हो। जैसे 1/2 कितना होता है, 0.5, तो इसका आंसर क्या हो गया, 3.5। अगर आप चाहो तो 4 के हेल्प से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, देखो उसको भी मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। जैसे अगर कोई ले लिया, मान लो सेलेक्ट किया 4, तो आप क्या करोगे, 4, तो 4 क्या था, ज़्यादा था ना, मतलब जो भी आंसर होगा 4 से तो कम होगा, तो यहाँ पे क्या करना होगा आपको, माइनस करना होगा। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कितना ज़्यादा है। तो देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, 16 से 12, 12 से 16 कितना ज़्यादा है, 4, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 4 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट निकाल रहे हो तो 2 into सेलेक्टेड वैल्यू, क्या सेलेक्ट किया था आपने, 4, तो यहाँ पे 4 कर दोगे, ये देखो कट गया, क्या मतलब है, 4 minus half, हाफ का मतलब क्या होता है, 0.5। तो इससे भी हम लोग निकालेंगे तो कितना मिलेगा मुझे, 3.5 मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोग किसी के हेल्प से आप निकाल सकते हो। देखो पहला है इसलिए थोड़ा मैं ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसके बाद जल्दी जल्दी करेंगे। एक्चुअली हम लोग कर क्या रहे वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने क्या किया, जैसे 3 लिया प्लस यहाँ पे क्या लोगे, डिफरेंस डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट है तो 2 into यहाँ पे क्या करोगे, सेलेक्टेड वैल्यू। सेलेक्टेड वैल्यू मतलब अगर 3 लिया तो 3 लिख दो, 4 लिया तो 4 लिख दिया, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था, और एक दो क्वेश्चन करके मैं डेसिमल वाला स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम लोग डेसिमल वाले पे आएंगे। तो जैसे ये 89, तो सबसे पहले इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो आप चेक करोगे कि 89 कौन कौन से नंबर के स्क्वायर के बीच में लाई करता है। तो देखो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, और 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100। तो कहीं ना कहीं 89 इसके बीच में ही लाई करता है, इसका मतलब जो आपका आंसर होगा, देखो 9 का स्क्वायर 81 उससे तो ज़्यादा है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, 9 प्लस, ज़्यादा है तो प्लस ले लो। यहाँ पे क्या लिखना है मुझे, डिफरेंस, मतलब देखो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, तो इसमें से माइनस करोगे कितना आ जाएगा यहाँ पे, 8 डिवाइडेड बाई 2 into सेलेक्टेड वैल्यू, मैंने क्या सेलेक्ट किया है, 9, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, 9, देखो 2 से ये कट गया कितना हो गया, 4, तो यहाँ पे मुझे मिला 9 प्लस
4/9, अभी देखो अगर आपको याद है 1/9 कितना होता है 0.11, तो 4/9 क्या होगा उसका 4 times, तो कितना हो जाएगा ये 0.44, तो 9 + 0.44 करोगे कितना आ जाएगा 9.44। ऐसे भी देखो आप लोग एक चीज़ और याद रखना कि x बाई नाइन जो होता है ये होता है 0.xx, मतलब अगर मैं 1/9 निकालता हूँ तो कितना आता है 0.11, 2/9 निकालोगे क्या आ जाएगा 0.22, 3/9 0.33, तो ऐसे अगर आपको याद होगा तो डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। तो देखो इसका स्क्वायर रूट कितना आया 9.44। अभी मैं आपको डेसिमल वाला क्वेश्चन स्टार्ट करवा दूँ, चलिए एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो अगर आपके पास है 0.5, इसको अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होगा, देखो आपको पता है कि जब आप डेसिमल हटाते हो तो क्या होता है डिवाइडेड बाई 10, और ये 10 से 10 कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 5। ये बहुत छोटा पॉइंट है, इसको आपको डायरेक्ट कैसे करना है मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लो अगर आपके पास 0.05 है, इसको अगर आप लेट सपोज 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आप देखो ये डेसिमल हटाओगे तो क्या आएगा नीचे, यहाँ पे 1 और इसके बाद में क्या लिखेंगे हम लोग 20, 20 से 20 कट गया, इसका आंसर क्या हो गया 5, 10 या कितना हो गया 50। मतलब देखो मैं आपको समझाना ये चाहता हूँ कि आपको ये डेसिमल में डिवाइडेड बाई 10 करने का दरकार नहीं। आप ऐसे समझो कि अगर 0.5 को कोई 10 से मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ पे डेसिमल 1 प्लेस के बाद है, और यहाँ पे जो आप देख रहे हो उसको अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल 1 प्लेस के बाद और 10 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है, मतलब यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाता है 5। यहाँ पे देखो 2 प्लेस के बाद डेसिमल है तो वो इसका 20 को खत्म कर देगा, बचेगा क्या 10, और 5 से मल्टीप्लाई होकर क्या देगा 50। तो इसको आप डायरेक्ट थोड़ा सा याद रखना, अभी हम लोग वो क्वेश्चन बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं ये 0.5 का स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे। अब बहुत ही ईजी है, सबसे पहले जैसे आपको क्या करना है कि ये जो 0.5 है आप क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, और इस 100 को बैलेंस करने के लिए डिवाइड भी क्या कर देंगे 100 से। इससे फायदा क्या होगा, देखो यहाँ पे 0.5 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो जैसे मैंने पहले बताया कि डेसिमल 1 प्लेस के बाद 10 को खत्म कर देगा, 5 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे ये क्या बन जाएगा 50, और 100 का स्क्वायर रूट करने से क्या मिलता है 10, तो ये बाहर आ जाएगा। मतलब अभी जो क्वेश्चन है कुछ ऐसा हो गया कि आपको इस 50 का स्क्वायर रूट निकालना है और जो आंसर आएगा उसको 10 से डिवाइड कर लोगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो जैसे देखो यहाँ पे मैं समझाता हूँ 50 का स्क्वायर रूट, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे 50 किसके किसके स्क्वायर के बीच में लाई करता है, तो आपको मिलेगा 7 और 8। तो यहाँ से हम लोग को समझ में आ रहा है कि जो भी आंसर है 7 से तो बड़ा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 7+। अभी हम देखेंगे कितना बड़ा है, तो 7² क्या होता है 49, तो यहाँ पे आया 49, कितना बड़ा है 1 बड़ा है, और डिवाइडेड बाय क्या करना है 2 × सेलेक्टेड वैल्यू, सेलेक्टेड वैल्यू कितना है 7। तो अभी देखो ये कितना हो गया 7 + 1/14, और 7 + ये 1/14, देखो 1/7 क्या होता है 0.14, तो 1/14 क्या होगा उसका भी आधा होगा, मतलब ये हो जाएगा 7.07। ये आ गया आपका स्क्वायर रूट ऑफ 50, लेकिन एक्चुअली आपको क्या करना था, स्क्वायर रूट ऑफ 50 को किससे डिवाइड करना था 10 से। तो अगर मैं फिर से इसको 10 से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, डेसिमल और एक प्लेस इधर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब इसका आंसर क्या हो गया 0.707, और यही इसका आंसर था, मतलब ये ऑप्शन नंबर 1। तो देखो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए आपको इतना टाइम लगा, अदरवाइज इसको आप बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते थे। मैं सिंपली माइंड में ही सोचता कि ये क्या होता, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर देता तो ये बन जाता रूट 50, और बाद में क्या नीचे 10 आ जाता, 10 से डिवाइड करना है तो मैं मेन क्या करता इस रूट 50 को निकालता और जो भी आंसर आता उसको 10 से डिवाइड करता, और एक दो क्वेश्चन से मैं आपको समझा रहा हूँ। और एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ये 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन था, जैसे ये रूट 0.6 है, तो सबसे पहला काम क्या करोगे आप कि 0.6 को मल्टीप्लाई भी 100 से कर देंगे और डिवाइड भी क्या करेंगे 100 से, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 60, और ये रूट में 100 होगा तो क्या बच जाएगा आपके पास, ये 10 बच जाएगा, मतलब मेन आपको 60 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो अभी देखो 60 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो सबसे पहले हम चेक करेंगे 60 किसके किसके स्क्वायर के बीच में लाई करता है, तो ये हो गया 7² और 8². तो देखो 7 का स्क्वायर 49 होता है और 8 का स्क्वायर 64, तो आप किसी को भी लेके बना सकते हो, जो क्लोजर है उसको लेके बनाओगे तो जल्दी बनेगा। जैसे यहाँ पे मुझे दिख रहा है 8 का स्क्वायर 64 होता है, मैं इसको ही लेके बनाता हूँ, तो यहाँ से मुझे समझ में आ रहा है कि ये नंबर क्या होगा 8 के स्क्वायर से कम होगा, तो कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं माइनस, तो यहाँ पे माइनस होगा डिवाइडेड बाई, अभी देखते हैं कितना कम होगा, तो 8² = 64 होता है, 64 से 60 माइनस करोगे क्या मिलेगा आपको 4 / 2 ×
सेलेक्टेड वैल्यू क्या था, 8। आप यहाँ पे 8 करो, देखो 4 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स, आपको क्या क्या मिल रहा है, 8 माइनस 1 बाई 4, 1 बाई 4 कितना होता है 0.25, तो इसको आप माइनस करोगे क्या मिलेगा 7.75। लेकिन ये जो 7.75 आया वो किसके आंसर आया, अंडर रूट 60 का, लेकिन आपको निकालना क्या था, अंडर रूट 60 बाई 10, मतलब इसको आप फिर से 10 से डिवाइड करोगे तो जो आपका आंसर आएगा 0.775 आएगा। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है, तो इसके क्लोजर में आंसर कौन सा है 0.774, तो आप क्या करोगे इसको सेलेक्ट कर लोगे। तो इस तरीके से देखो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बहुत जल्दी बना सकते हैं। चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं, ये भी 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो जैसे देख रहे हो 0.8, तो आपको पता है कि अभी आपको करना क्या है, इस 0.8 को ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो ये हो गया अंडर रूट 80, और 100 का स्क्वायर रूट करोगे क्या मिलेगा 10। अभी मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो अभी 80 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो आप सबसे पहले चेक करोगे 80 किसके किसके स्क्वायर के बीच में लाई करता है, 8 स्क्वायर और 9 स्क्वायर। तो देखो 9 स्क्वायर 81 होता है, उसके ये पास में है, तो आप ट्राई करना उसको ही लेके बनाए। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, अगर मैं 9 को सेलेक्ट करता हूँ तो 9 का स्क्वायर क्या है, 80 से बड़ा है ना, इसका मतलब जो भी आंसर आएगा 9 स्क्वायर से तो छोटा होगा, तो मतलब यहाँ से मुझे माइनस करना पड़ेगा क्या। तो यहाँ पे देखते हैं 9 स्क्वायर कितना होता है 81, इसका डिफरेंस क्या हो गया 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू सेलेक्टेड वैल्यू क्या था 9, तो ये हो गया 9 माइनस देखो 1/18। अगर आपको याद है 1/9 कितना होता था 0.11, तो अगर उसको और 2 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 0.055 अराउंड ये आएगा, ठीक है। तो अगर मैं 9 में से 0.05 माइनस करूं तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 8.95 के अराउंड आएगा, ठीक है अप्रोक्सीमेटली। तो मेरे को जो आंसर निकालना है वो ये नहीं निकालना है, मुझे क्या करना है, इसको 10 से डिवाइड करना था, तो अगर मैं इसको 10 से डिवाइड कर दूं आंसर क्या हो जाएगा मेरा 0.895। और देखो इसके क्लोजर में कौन सा आंसर है, ये वाला है, इसका आंसर क्या हो जाएगा ये। तो थोड़ा सा आपको देखो अप्रोक्सीमेशन भी आपको यूज करना पड़ेगा। तो देखो आई थिंक जो भी मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया कि डेसिमल का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए होमवर्क छोड़ा है, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे और इसका आंसर जो है वो कमेंट करके बताएंगे, ताकि मुझे भी समझ में आए कि जो मैंने आपको पढ़ाया वो आपको समझ में आया है। और देखो अगर इसमें कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं उसको फिर से वीडियो बना दूंगा और जो भी आपका डाउट होगा उसको हम लोग क्लियर कर देंगे। थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए हमारे साथ।